व्हाट्सअप गाइज, दिस इज रामजी एंड वेलकम टू अवर चैनल टेकल्टी। दोस्तों, अब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम टूल्स के बारे में समझेंगे। तो सिलेक्शन टूल तो बहुत ईजी है, वो सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए होता है, उसके बारे में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। अब आते हैं सिलेक्शन टूल के बाद जो जितने भी हैं उन टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले टूल आता है रेक्टेंगल मार्की टूल, उसका क्या यूज है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उससे हम कर सकते हैं और उन ऑप्शंस का हम प्रॉपरली कैसे यूज कर सकते हैं जो हमें रेक्टेंगल मार्की टूल के साथ दिए जाते हैं। तो उनको प्रॉपर समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है रेक्टेंगल मार्की टूल के ऊपर वो समझ में आ जाए और एक एक ऑप्शन आप अच्छी तरीके से यूज कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में चलना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने फोटोशॉप में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में। तो रेक्टेंगल मार्की टूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें फोटोशॉप में चलना पड़ेगा। तो फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है जिसमें हम वर्क करेंगे। तो न्यू फाइल एक ओपन कर लेते हैं हम, जिसमें हम पूरा आपको वर्क करके दिखाएंगे कैसे आप कर सकते हैं। तो हमने ये प्रीसेट पहले सेट किया था, इसमें हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो वाइट कलर और ओके कर देते हैं। तो जितना आपका फाइल साइज होगा उस हिसाब से आपका जो है जो फाइल ओपन हो जाएगी। और इसमें हम प्रॉपर एक एक ऑप्शन को और एक एक टूल के टूल में सब टूल जो दिए जाते हैं उनको प्रॉपर एक एक करके समझेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो गई, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे डैश बने हैं। ये डैश सभी लगभग टूल जितने भी दिए गए उन सभी में बने हैं। इस डैश का मतलब क्या है, जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे टूल्स नीचे दिख जाएंगे उसके। अगर आप किसी भी टूल पर करेंगे ऐसे राइट क्लिक, इसका मतलब ये है कि उससे जुड़े हुए कुछ सिमिलर टूल्स हैं जो उनके साथ ग्रुपिंग कर दिए गए हैं। मतलब ये जो रेक्टेंगल मार्की टूल है और इन सब का जो वर्क है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, मतलब लेकिन ऑप्शंस हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो सब सेम है, वर्क थोड़ा अलग है, लगभग एक जैसे मिलते जुलते काम करते हैं, बट शेप साइज अलग है इसलिए वो उन्हें अलग अलग ग्रुप कर दिए गए। इसलिए आप जैसे हम इस वीडियो में इस रेक्टेंगल मार्की टूल की बात करेंगे, बाकी के जो तीन टूल्स हैं अगर आप इसको समझ लेंगे इस वीडियो में तो बाकी के जो तीन टूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी एक वीडियो में। अगली वीडियो में हम इन तीन टूल्स को कवर करेंगे, इसमें रेक्टेंगल मार्की टूल को कवर करते हैं। तो रेक्टेंगल मार्की टूल को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हम बैकग्राउंड लेयर पे वर्क नहीं करेंगे, एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको कलर से फिल कर देते हैं, इसको कलर से फिल कर देते हैं। और ये अगर आपको ये जो बैक फोरग्राउंड में कलर होता है वही कलर फिल करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, तो मैं बैक कर देता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस बैक स्पेस। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो जो कलर आपके यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में होगा वो आपके सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। और इसको डिसलेक्ट करने के लिए ये देखिए सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर्स पर। अगर इसको डिसलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी से आप डिसलेक्ट कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस टी प्रेस करनी होगी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल ऑन हो जाएगा और आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, रिसाइज कर सकेंगे। इसको हम रिसाइज कर लेते हैं और एक साइड में रख देते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर आप शेप बनाते हैं उसको कलर कैसे। अब बात करते हैं इन टूल्स की जो ऊपर ये दिए गए सब टूल्स जो हैं इनके साथ। तो ये पहला टूल है जो नॉर्मल सिलेक्शन करने के लिए, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर जैसे हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया और उसके बाद हम और एरिया अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर ये जो सब टूल सिलेक्टेड होगा तो अगर दूसरा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे तो पहला वाला जो है वो अनसिलेक्टेड हो जाएगा। मतलब आप एक टाइम पे इतना ही एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, एक टाइम पे जितना बड़ा एरिया आप करना चाहें उतना कर सकते हैं, बट अगर दूसरी जगह जैसे करेंगे आप तो पहला वाला डिसलेक्ट हो जाएगा। अब बात आते हैं दूसरे टूल, ये जो है टूल जो दिया गया है मर्ज टूल है, मर्ज सिलेक्शन टूल। तो इसका क्या काम है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एरिया सिलेक्ट किया उसके बाद हमें यहाँ पर भी एरिया सिलेक्ट करना है, तो ये दोनों एरिया एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे।
अब इसमें और थोड़ा सा डिटेलिंग में समझाते हैं हम आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया और थोड़ा सा एरिया हमें इसके साइड में और चाहिए, तो हमने ऐसा कुछ बना दिया। तो ऐसा हमने बना दिया तो ये देखिए दोनों ही जो शेप्स थे वो मर्ज हो गए। अब अगर हमें थोड़ा सा एरिया यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऐसा चाहिए एरिया तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आप प्लस कर सकते हैं सिलेक्शन को किसी भी तरीके से। अब हमें जैसे यहाँ से कुछ भी कलर इसमें भरना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, और इसको सिलेक्ट करने के बाद और इसको अगर वही कलर फोरग्राउंड में जो दिया गया उसको फिल करने के लिए अल्ट प्लस बैक स्पेस दबा देना, और इसको फिर हम डीसिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बाकी टूल्स को समझने के लिए। तो हम इसको अब देखिए दोनों ही एक साथ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं क्योंकि मैंने एक ही लेयर पर वर्क कर लिया। यही गलती हो जाती है अक्सर कि आप अलग अलग लेयर सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं हम और अगले टूल को समझने के लिए। तो अब ये है सब्ट्रैक्शन टूल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ से शेप बनाया और उसके बाद हमें इतना एरिया साइड में नहीं चाहिए, और तो अगर हम इस टूल को सिलेक्ट करके रखेंगे तो जैसे ही हम दूसरा एरिया बनाएंगे तो वो पहले एरिया में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको बीच में सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से साइड में से और सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना भी एरिया आपको हटाना है इसमें से आप ऐसे हटाते जाइए और अब वो आपका हटता जाए। और कलर से फिल करने के लिए हमें कलर सिलेक्ट कर लेना है कोई सा, तो हम एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको फिल करने के लिए हमें अल्ट प्लस बैक स्पेस। देखिए अगर फोटोशॉप में आपको अच्छी तरीके से वर्क करना है तो आपको मोस्टली जितने भी शॉर्टकट हैं उनका यूज करना पड़ेगा ताकि आपका वर्क बहुत जल्दी जल्दी और ईजी हो जाए। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म करें। अब देखिए हमने अलग लेयर पे वर्क किया था तो अकेली यही ट्रांसफॉर्म हुई, तो इसको हम सेट कर देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो टूल था वो इनेबल जो था वो डिसेबल हो जाएगा। अब जो फोर टूल है उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका क्या काम है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरिया हटाया, मतलब एरिया एक क्रिएट किया और उसका कुछ पार्ट ही हमें चाहिए। पहले था कि कुछ पार्ट हम हटा रहे थे, अब क्या है कुछ पार्ट ही इसका चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमें ये बीच का पार्ट चाहिए तो हम इतना इसमें सिलेक्ट करेंगे तो बाकी का जो एरिया था वो साइड में वो हट जाएगा। और फॉर एग्जांपल हमें इतना नहीं चाहिए तो हम इतना, मतलब इतना ही चाहिए था तो हमने उतना सिलेक्ट किया और उसको हटा दिया। तो अगर हमें इतना चाहिए बीच का तो इतना हम कर सकते हैं। तो इसको अगर कलर से फिल करना है तो हम कोई सा और कलर चूज कर लेते हैं, और उसके बाद इसको फिल करने के लिए अल्ट प्लस बैक स्पेस, ये हमेशा याद कर रखना है। शॉर्टकट आपको जितने ज़्यादा जल्दी वर्क करना है तो आपको शॉर्टकट ही यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। देखिए अब हमने फिर से उसी लेयर पर वर्क कर दिया तो हम दोनों ही ट्रांसफॉर्म एक साथ कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि लेयर्स के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, इसीलिए मैंने ये दो बार गलती की ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या लेयर के इम्पोर्टेंस होते हैं। आपको हर बार एक न्यू लेयर पे वर्क करना है ताकि आप उसको अलग से ट्रांसफॉर्म या फिर रीसाइज वगैरह कर सकें। तो ये जो चारों टूल थे, पहला कि आप नॉर्मली कर सकें कि अगर आप एक सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा एरिया सिलेक्ट करने पर पहला वाला हट जाएगा, यहाँ से ऐड करने के लिए ये टूल है। और थर्ड वाला जो है वो है सब्ट्रैक्शन टूल, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में। और ये है सिर्फ आपको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, मतलब जितना आपने पहले एरिया क्रिएट किया और दूसरा एरिया जो आप क्रिएट करेंगे उनके बीच में जितना इंटरसेक्शन होगा, जितना कॉमन एरिया होगा वो बचेगा। फॉर एग्जांपल हम फिर से समझाते हैं आपको, जैसे हमने ये एरिया क्रिएट किया और दूसरा एरिया हम क्रिएट करते हैं इतना, तो इनके बीच में जितना इंटरसेक्शन, मतलब जितना कॉमन एरिया है दोनों के बीच में, उतना बच जाएगा, बाकी का हट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस टूल का क्या वर्क है। तो इस टूल का वर्क नॉर्मली फोटो एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा नहीं होता है, बट लेकिन जब हम, मतलब इमेज एडिटिंग में इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता, बट जब ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं तो इन टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। वरना फोटो सिलेक्शन के लिए हम नॉर्मल जो टूल्स होते हैं उनको यूज कर लेते हैं, बट ये जो इंटरसेक्शन टूल है उसका ग्राफिक्स डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है।
और बाकी के सारे ऑप्शंस तो नॉर्मल हैं। आप रेशियो फिक्स कर सकते हैं, साइज फिक्स कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से फेदर देख सकते हैं साइड में। जो अभी फेदर के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काफ़ी लेंदी टॉपिक होगा फेदर को समझना प्रॉपरली, इसलिए हम इसमें वीडियो में नहीं बता रहे हैं। फेदर आपको कई सारे टूल्स के साथ आपको मिलेगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी सिलेक्शन टूल हैं उन सभी में फेदर आपको मिलेगा, तो फेदर का क्या वर्क होता है हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे। तो ये था सिलेक्शन टूल, जो रेक्टेंगल मार्किंग टूल है उसका वर्क। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और समझाना चाहते हैं कि अगर जैसे आपने सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट है, मतलब रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, बट आपको इसको मूव करना है, इस शेप को जो है, तो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मूव टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको मूव करेंगे आप। बट क्या है, अगर आप सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट है और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी शॉर्टकट है, आप कंट्रोल बटन अपने कीबोर्ड में जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो रेक्टेंगल मार्किंग टूल सिलेक्ट था या कोई भी टूल सिलेक्ट था, जैसे आप कंट्रोल प्लेस करेंगे तो आपका जो है मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको मूव कर सकते हो। जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ेंगे अपने कीबोर्ड में, तो आपका जो है फिर से जो भी टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ वो टूल अपने आप फिर से सिलेक्टेड हो जाएगा। तो आप ऐसे शॉर्टकट का यूज करके इन मतलब जितने भी वर्क हैं उनको जल्दी से कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट ही यूज करने हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ताकि आप उनको एक एक करके याद कर सकें, और प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको ये टूल्स का जो वर्क है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो ये सभी टूल्स का जो मतलब रेक्टेंगल मार्किंग टूल्स में जो सब टूल्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो होप करता हूँ आपको जो रेक्टेंगल मार्किंग टूल होगा वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको एक एक ऑप्शन अच्छी तरीके से आ गया होगा और आप उसका यूज़ करेंगे। तो इसको आपने वीडियो देख ली, तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर देना और उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करना इस टूल की, ताकि आपको ये टूल अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा अकेले, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना है अपने फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और लोग भी फोटोशॉप सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे फोटोशॉप के टूल्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।